अपोसिट जी प्लीज प्लीज अपोसिट जी मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज मुझे। दरोगा जी आपने अभी तक भभूति जी को नहीं छोड़ा? छोड़ेंगे कैसे, 3 दिन पहले आप गए थे मेरे लिए वकील लाने के लिए, अब लौटे हैं आप। अरे यार वकील के विषय में तो भूल ही गए। भूल गए? अरे नहीं नहीं वो हमारी दरअसल बात हुई है कुछ वकीलों से, तो क्या कोई इस केस में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है, हर कोई यही कह रहा है कि पेचीदा केस है, हार जाएंगे। व्हाट? नहीं अरे आप चिंता काय कर रहे हैं यार, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप ना छूटे। हम कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से छूट जाएं। यार जी प्लीज मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यार आप हमारे पड़ोसी हैं, इसमें एहसान की क्या बात आ गई है? चले दरोगा जी। कहाँ जा रहे? क्या क्या कहिए? कछु खाओगे पियोगे नहीं? नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे कछु चाय पी लो। अरे वो आप भी तो आइए ना कभी। हम तो आते ही रहते हैं दादा, तुम आओ घर, तुम्हारी भाभी मतलब हमारी बीबी याद कर रही थी। अच्छा। लाला जू आते नहीं है। सुनो गाजर को हलवा बहुत बढ़िया बनाती है हमारी लज्जू, आओ फिर घर। लौंडा बच्चा तो मैं ताऊ जी कहती हूँ, कभी आ रही रविवार के दिन आते हैं। भूली क्यों ना? अरे यार काय भूलेंगे, रविवार को कितने बजे? 11-12 के बीच सुबह आ जाएंगे। शनिवार को याद दिलाएंगे? हाँ ठीक है याद दिला दे। पक्को आइयो? अरे पक्को भाई पक्का। तुम्हें हमारी कसम। अरे अब क्या दिल निकाल के धर दे। भूली क्यों ना? जरूर आएंगे, ठीक है चलिए। सुनो बहुत याराना लगता है। सर टीका लगाया है, बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा साहब वैक्सीन लगी तो दर्द तो होगा ही ना, आपकी दोनों हो गई? ये तीसरा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे हम लगवाने तो मास्टरनी जी को गए थे, लेकिन वो वहाँ जाकर बुरी तरह से बिदक गई और छीना झपटी में मास्टरनी जी की जगह पे हमें टीका लगा दिया। कमाल के आदमी। ऐसा क्या उसने डबल मीनिंग वाला जोक सुना दिया डॉक्टर, जो तू इतना हंस रहा है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि अश्लील जोक सुनाए। हाँ, तू तो बहुत बड़ा शरीफ आदमी है, भैंस का दूध निकालने से भी शर्माता है। अरे अभी कुतरकी आदमी उस बहस ही नहीं करना चाहते। तू मुझसे बहस कर भी नहीं सकता है मास्टर। ए प्रेम चौधरी भूलो मत, तुम्हारी साली का लौंडा ना हमारे क्लास में पढ़ता है, इस बार एग्जाम में नील बटा सन्नाटा। मास्टर जी मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था और आपने मेरी मजाक को सीरियस ले लिया। हेलो मास्टर जी, डॉक्टर साहब और प्रेम जी। क्या हो भाभी जी? वो हम ही पूछ रहे हैं कि भरभूति जी को कहीं देखे हैं का? नहीं भाभी जी, हमने तो विभूति भैया को नहीं देखा। कर भला तो हो भला, कहीं उस विभूति ने आपसे पैसे तो नहीं उधार ले लिए? नहीं नहीं पैसे उधार ना ही लिए हैं। वो कहा है ना कि जिस दिन से हम उनको टमाटर लाने भेजे हैं उस दिन से हमको नजर ही ना ही आ रहे हो। भाभी जी हमको ऐसा लगता है ना वो आपके टमाटर के पैसे खाकर कहीं भाग गए। नहीं नहीं वो ऐसा ना ही कर सकते हैं। भाभी जी वो ऐसा कर सकता है, विभूतिया एक नंबर का घटिया आदमी है। हाँ। एक नंबर का लीचड़ भी है वो। उनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। चुप कीजिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं, इतने भी बुरे नाई हैं वो जितना आप लोग बोल रहे हैं उनके बारे में। कहना कि बस उनका एयर कंडीशन कुछ खराब चल रहा है। भाभी जी आप शायद कंडीशन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए भाई भाई। देखो अम्मा अब भभूति जी को जेल में गए 4 दिन तो हो गए हैं, हमें लगता है अंगूरी को ये बात बता देनी चाहिए कि भभूति जी भिखारी का मर्डर करके जेल में गए हैं। वो तो ठीक है लेकिन बहुरिया कहीं बदहवास ना हो जाए, कहे कि वो नल्ला जो है बहुरिया कैंपास है। अरे अम्मा अगर बदहवास भी होगी तो ठीक है ना, अंगूरी सिर्फ यही नहीं और मोहल्ले में भी रायता फैला देगी, ठीक है ना, तो हम तो यही चाहते हैं। अरे लेकिन बहुरिया बहुत जज्बाती है बैल, कहीं सदमे में न चली जाए। अरे अंगूरी इतनी भी कमजोर नहीं है अम्मा, और एक पड़ोसी के लिए काहे वो सदमे में जाएगी वाला। जो मोह नाम का टाफी होता है ना वो एक बार अगर कोई खा लेना तो परेशान करके रख देता है, फिर वो मोह नाम का टाफी चाहे पड़ोसी के नाम का हो या पड़ोसी के कुत्ते के नाम का हो, समझा? मान जाम चाहे जो भी हो, हम अंगूरी की सेहत के लिए कर रहे हैं ना ये सब कुछ,
हाय दिया, आ गया बता दो। सुनिए लड्डू के भैया अम्मा जी, हम तो पार्वती जी को हर जगह ढूंढ लिए, हर जगह देखा है, वो तो कहीं भी ना आई है। हाँ, वो टमाटर लाने गए थे कि उगाने? अम्मा देखो, अगर उम्र कैद भी हुई तो कम से कम 50 साल तो जेल में रहेंगे। हाय दिया, और मर्डर का सजा कम से कम इतना तो होगा ही। हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, हमरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा लेकिन कई बार चाल चलन अच्छा हो तो सजा माफ भी हो जाती है। अच्छा, हाँ। देखा हुआ है, भरभूति जी को बताइए ना सीधे सीधे, ये सब क्या बात चल रहा है दोनों का? देखो पगली, बात ऐसी है कि हम बताते हुए हमें बड़ा खेद महसूस हो रहा है, भभूति जी दरअसल हमारे बीच नहीं रहे। अरे अरे, हमारे बीच मतलब यहाँ बीच में नहीं है, जेल में है। जेल में का जेल में डाल दिया उनको? अरे वो मर्डर किया है ना, वो भी एक तो भिखारी का। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत ही डरपोक है, वो ये मटर नहीं कर सकते हैं। मटर नहीं, मर्डर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, उन्हें बहुत डरपोक है, मक्खी भी नहीं मार सकते। अम्मा जी, हम बोल रहे हैं ना आपको। हाँ, हाँ, देखो बहुरिया, कहा है ना, जो डरपोक आदमी होता है ना, वही अपने बचाव में मर्डर कर देता है अक्सर। और फिर जेल में बैठ के मटर छीलते हैं। वहाँ मटर छिलवाते हैं जेल में? मटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ छीलते हैं पगली। बैल तो निकालो, तो हमारे साथ आओ। चलो चलो। हाय दिया, ये पार्वती जी खून कर दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं भाभी जी, किसने किसका खून कर दिया? ओ, हम पार्वती जी को टमाटर लाने भेजे थे। तो टमाटर वाले का खून कर दिया? अरे नहीं, कौन भिखारी का खून कर दिया है? ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। वैसे विभूति जी को देखकर कभी लगा तो नहीं वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं? हमको भी नहीं लगता है कि वो खून कर सकते हैं। बड़ी सही पार्टी से टकराई है अंगूरी अम्मा। का मतलब हम समझे नहीं। ये जो कमिश्नर की साली है ना, ये सुपारी का टुकड़ा मुंह में नहीं रख सकती, इतनी बड़ी बात छुपा के कैसे रखेगी? मनोहर, यस, तुमने कौन एक्यूप्रेशर को कोर्स करवाएगा? जो वाले ले, एक बात कहें, तेरे हाथन में वो जादू है यार, कि क्या बताएं? तू एक काम कर, पार्लर खोल ले, जवाली नौकरी से ज्यादा पैसा कमाएगो। सर, कमाई के लिए बाप दादा के 25 सलून है, उसी से बहुत पैसा आ जाता है। पुलिस की नौकरी तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे खतरों से खेलने का शौक है। खतरों से खेलिए या लफड़ों से खेलिए, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपने पिछले एक हफ्ते से एक शरीफ मजलूम आदमी को इस हवारत में बंद करके रखा हुआ है, और बिना जुर्म के। ये बात हजम नहीं हो रही है साहब। इस शहर में शरीफ का रहना एकदम महफूज नहीं है साहब, एकदम महफूज नहीं। हमारे क्लाइंट भभूति नारायण मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस शहर में इज्जतदार लोग सुरक्षित नहीं है। अभी अभी हमने जो है सीसीटीवी फुटेज को खंगाल के देखा है, और उसको देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे क्लाइंट भभूति नारायण मिश्रा ना कातिल है और ना ही खूनी है। ये तो अपने रास्ते पर जा रहे थे, इनके पास पानी की बोतल तक नहीं थी। बजा फरमाया आपने, मेरे हाथ में पानी की बोतल नहीं थी। जी हाँ, जब मेरे क्लाइंट के पास पानी की बोतल थी ही नहीं, तो फिर उस भिखारी को पानी कैसे पिलाते? जवाब में तो दम है। बिल्कुल, सिर्फ दम ही नहीं है बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी चीख चीख कर ये कह रही है कि हमारे क्लाइंट भभूति नारायण मिश्रा बेगुनाह है, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। ठहर जाओ, इतनी का चौकी में वकील बन जाओगी। देखे ले रही। अब सुड़ सुड़ाइयो भैया।
खड़े खड़े देख रहे हो, जे आदमी मर रहा है कुछ तो मदद कर दो। मेरी 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 मौत का जिम्मेदार ये गोरा चिट्टा। करेक्ट, जो पुलिस स्टेशन भैया तिवारी की दलीलें सुनने के बाद जो नतीजे पे पहुंचे हुए कि महाराज आप बिल्कुल बेगुनाह हो। मनोहर, यस सर, खोल दे। कैसे खोलू सर, रात को आप ही ने तो खत्म कर दी। जी के लट भैया विभूति का खोल। आई एम सॉरी सर। सारे थे, खोल दे खोल दे। आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ ठीक है, चलिए जाइए। क्या बात है वैसे यार, तुम वो मेरा फोन दे दीजिए। तुम्हारा ही है जो? चलिए है, हम हैं अभी। आलू पालक मटर टमाटर ले लो भैया, आके दना दे। आलू पालक मटर टमाटर। सब्जी वाले भैया, एक किलो टमाटर तोल दो, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, टमाटर पहुंचाने हैं। जरूर भैया, अभी लो भाव जी। मां साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुजरिक भी हाथों से टमाटर कौन लेगा। मैं मुजरिम नहीं हूँ। तो जेल में क्या गुइया बोने गए थे? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही कहता है कि पता नहीं ये सब कैसे हो गया। प्रेम, मेरे दोस्त। खबरदार, मुझे दोस्त कहा तो मैं किसी मुजरिम का दोस्त नहीं हो सकता हूँ। और सॉरी, मैं तुझे नहीं जानता। चलिए डॉक्टर साहब, कहते हैं ना, एक मुजरिम का साया भी पड़ जाए तो वर्षों तक मनुष्यत बनी रहती। चलिए, आप सही कह रहे हैं, चले जल्दी चली। अरे ओ भैया, ओ तुम निकलते मनो यहाँ से। हम कोई अपना टमाटर किसी मुजरिम को नहीं देने वाले, चलो निकले यहाँ से। अरे निकलो यार, चले यार, टमाटर चोरी करोगे क्या? अरे निकलो यहाँ से। टमाटर, लाल लाल टमाटर आ रहे हैं, आ रहे हैं। दिया, कौन है आप? भाभी जी। भाई दिया, भरपूती जी आप? भाभी जी, आपने टमाटर मंगाए, टमाटर लाया हूँ। हमको नहीं चाहिए टमाटर। भाभी जी, ये आपका टमाटर है? नहीं, ये टमाटर में किसी मासूम का खून लगा है, इनसे खून टपक रहा है, आप खूनी हैं। नहीं भविष्य, नहीं 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 नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने कोई खून नहीं किया भविष्य, मैंने कोई खून नहीं किया। मैं तो वो घुन हूँ जो हालात की चक्की में पीस दिया गया हूँ। आप घुन हैं, कॉकरोच हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, जाइए यहाँ से। जिसकी खातिर इश्क में हमने कई बार खाए हथौड़े, उसने आज हमारे मुंह पे कह दिया कीड़े मकोड़े। अक्का बोले, हम बोलेंगे नहीं, बस तन्हाई में रो लेंगे। गेट लस्ट तो जमाने भर में बिखरा हुआ भाभी जी, हम तो सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। अक्का बोले, आप गेट लॉस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, जाइए यहाँ से। भाभी जी ने खूनी कह के दरवाजा हमारे मुंह पर बंद कर दिया। आ, 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 आ.
शुक्रिया दोस्तों। घर बार नाम के इस बार का बार सिंगर अनोखे लाल सक्सेना आप सभी का स्वागत करता है। कदरदानो, अब मैं पेश करने जा रहा हूँ एक खूबसूरत नगमा। भैया तिवारी से हमारी गहरी दोस्ती हो गई। जगह दरोगा जी, मजाक अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। आप भी हमें कई बार छेड़छाड़ लेते हैं और हम भी आपके साथ तफरी ले लेते हैं। यार तिवारी, असल में जो है कि जिंदगी में जब तक जी हंसी ठिठोली ना हो ना, तो फिर जिंदगी को मजा नहीं है। वाह दरोगा जी, क्या बात कही। लाइफ में हर तरह का मसाला होना चाहिए, तभी तो जिंदगी की बिरयानी बड़ी टेस्टी बने यार। एक मिनट रुको। अरे दादा, ले मेरी बेटी, ले तू भी ले मेरी बेटी। थैंक यू भैया। और तू भी ले मेरी बेटी दोस्त, ले दर, ले, ले, ले। जो का कर रही तुम, अब हमें बुरो लग गो लोंडो। एक तरफ तुम तिवारी भैया हमें अपनो दोस्त कह रही, बहुत बढ़िया, दूसरी तरफ तुम जी सो नूटन के टमाटी टमाटी ना, बुरू लग गो। ना ना दरोगा जी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, ये आपके काम की कीमत है। ऐसे भैया तिवारी, दोस्ती में पैसा टका न्योछावर कछु देखो ना जात। एक बार काउ से दोस्ती भाई जैसे इनसे हो गई, फिर वो आदमी कितनो भी घटिया, कितनो भी लीचड़, कितनो भी कुत्ता कमीना हो, लेकिन दोस्ती दिल से है तो मैं दिल में लगाई ना। चल वाह, क्या बात के दरोगा जी, वाह, कसम खा के कह रहे दरोगा जी, हम तो आपके ऋणी हो गए। बिल्कुल, तो अगर ऐसा है, तुमने जब दिल से बोली तो सबसे पहले गद्दी दिखाओ, और जब गद्दी में धरो जा नूटन को बंडल, और हम कसम खा के कह रहे तिवारी भैया, अपनी दोस्ती के बीच में आज के बाद जो पैसा की गड्डी आ गई तो हम तुमसे बात ना करेंगे। अरे कह दे बात नहीं कर, तेरे गुर्दा फोड़ देंगे अपुआ। तिवारी, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। जी भैया, जी भैया। आप दोस्ती के ऊपर कुछ गाना फरमाइए, सुना दे। मेरी टिप। डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट। यही सोच रहे थे सक्सेना जी कि आखिर हम दोनों की दोस्ती में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी। वैसे सेठ जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है बदतमीजी की कमी रह गई थी। सुनो भाई सुनो, वैसे एक बात दिल से कहें भैया तिवारी, हमने आज तक जब पुलिस की नौकरी में फर्जी गिरफ्तारी कबो न करी। पता नहीं यार, तुम में कछु तो है, मतलब हाथ दियो, तुम में कछु बात है भैया तिवारी, जब तुमने भैया विभूति को गलत इल्जाम में फंसा के अंदर डालने की बात कही, हम जाने कैसे राजी हो गए, हमें पता नहीं है। इसी को तो दोस्ती कहते हैं दरोगा जी। करेक्ट करेक्ट। हमने क्या घुइयां छीली है सेठ जी? विभूति सेठ को अरेस्ट कराने में हमने भी तो तुम्हारा साथ दिया है। तिवारी भैया, मोसे भी दोस्ती कर लो, तुम्हारे गुर्दन को ना रोज मक्खन लगा के सहलाऊंगो। अब चाहे मक्खन से सहलाओ या किसी और तरीके से सहलाओ, हमारी दोस्ती तो हप्पू सिंह जी के साथ है। आई डोंट लाइक इट। ए भाई, ए भाई, ए भाई, गांठ घुस चले आ रहे हो भाई, मोहनी का टाइम है, ये लो अपना पैसा, लो चलो जाओ यहाँ से अभी, जाओ। मैं भिखारी नहीं हूँ भाई, मैं भी एक आम आदमी हूँ। भाई आम का तो नहीं पता, अलबत्ता चुसे हुए आम जरूर लग रहे हो मेरे को। मेरे बाल बना दो और मेरी दाढ़ी काट दो, शायद हालात को यही मंजूर है।
नहीं 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 भैया, नहीं नहीं नहीं, हालात को ये मंजूर नहीं था। तो फिर ये किसको मंजूर था? कुछ लोगों को ये मंजूर था कि आप जेल जाएं। किन लोगों को मंजूर था कि मैं जेल जाऊं? भैया आपके खिलाफ साजिश हुई है, इस कानून को तिवारी भैया जैसे भ्रष्ट लोगों के हाथों खरीदा गया है। अगर खरीदा तिवारी ने तो बेचा किसने? कानून के राशन की दुकान चलाने वाले दरोगा ने। और इस खरीद फरोख्त में कौन कौन शामिल था? लिस्ट काफी लंबी है भैया, टिल्लू, मलखान, हप्पू, मनमोहन। इंसाफ बिक गया, ये कानून अंधा है, अंधा है ये कानून। और ये इंसाफ चंद अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गया है, और ये इंसाफ तिवारी जैसे बेईमानों की गोद में खेलता है। गोदी इंसाफ, आई लाइक इट।